हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। मैं फिर से आ गई आपके लिए न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। हर बार की तरह इस बार भी हैं थ्री पाइल्स, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्या आप लोग रियल रिलेशनशिप में हैं, क्या आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा, क्या आपका रिलेशनशिप फॉल्स तो नहीं है। ठीक है, इस तरह के डाउट अगर आप लोगों के हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं। आप लोग एक रियल रिलेशनशिप में हैं या किसी इल्यूजन में हैं या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, इसकी क्लैरिटी हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी हैं थ्री पाइल्स। पाइल नंबर 1 द मैजिशियन, पाइल नंबर 2 द मून एंड पाइल नंबर 3 द स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन से कौन सा पाइल आपकी तरफ, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ करना है। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, उन टाइम स्टैम्प्स पे जाकर अपनी वीडियो को फॉरवर्ड करना है, इस वीडियो को, एंड डायरेक्टली अपने पाइल से देखना स्टार्ट करना है। बट ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है पूरी तरह से आप लोगों को रेजोनेट ना करे। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड सेशंस बुक करवा सकते हैं, उनकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, यू कैन डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फिलहाल मैं सब अपने सब्सक्राइबर्स को, जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, उनको मैं थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ आपके ट्रस्ट के लिए, आपके बिलीव के लिए, आपकी इतनी सारी पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी रीडिंग पर। आई होप कि आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा। अगर अभी भी चूज़ नहीं करा तो आप लोग वीडियो को पॉज करें एंड पाइल को चूज़ करें। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया था, चलते हैं आपके रीडिंग पर। हो सकता है आप एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, टोरस वर्गो कैप्रिकॉन और जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने रिश्ते से बहुत थक चुके हैं, बहुत मंद चुके हैं, बहुत सैड हैं इस रिश्ते में। ठीक है, आप लोगों से सलाह भी लेते हैं बट स्टिल ये रिश्ता वर्क नहीं करता। इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है आपको, जिसकी वजह से बहुत टेंशन होती है, आप रात में जागते हैं, स्ट्रेस क्रिएट होता है, परेशानी क्रिएट होती है, डे बाय डे नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती चली जा रही है। द मैजिशियन का कार्ड वही मुझे बता रहा है कि आप लोगों को खुद भी ये रियलाइजेशन है कि ये रिश्ता आखिर क्या है, बट स्टिल आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्टिल आप इस पर वर्क करना चाहते हैं, स्टिल आपको लगता है कि अगर किसी तरह से ये इम्प्रूव हो सकता है तो क्यों ना मैं अपनी कोशिशें जारी रखूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इस रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए रेमेडीज़ की हों, मैनिफेस्टेशन किए हों, प्रेयर्स की हों, मंत्र चैटिंग किए हों, बट स्टिल अभी भी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। वैसा का वैसा बर्डन है, वैसा का वैसा बोर्डम है, आप बहुत बोर हो चुके हो, बहुत थक चुके हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी है, एंड हो सकता है आप लोगों को नाइट मेयर्स भी आते हों, रात को आप डर के उठते हो, कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है उसका चैन जो है वो छिन चुका है। इस रिश्ते ने आपको पूरी तरह से स्ट्रेस में घेर दिया है और ना चाहते हुए भी आप उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आप इस रिश्ते में लगे पड़े हैं इसको सुलझाने में, इसकी गुत्थियों को सुलझाने में, इसको ठीक करने में एंड इसको वेल स्टैब्लिश करने में। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड इस रिश्ते को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है बट कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही है, या फिर हो सकता है आप दोनों अनमैरिड हैं बट स्टिल आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और के साथ डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ हैं और वो मुड़कर आपके तरफ नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आपकी इंट्यूशन ही आपको राइट डिसीज़न दे रही है कि इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है। फिलहाल अगर जनरली मेरे से पूछें, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए है एंड ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सबके लिए बोल रही हूँ वो सबके लिए एग्जैक्टली वैसा ही हो, बिकॉज कुछ लोगों की पर्सनल रीडिंग्स जो हैं डिफरेंट भी आती हैं। ठीक है, तो आप लोग दिल पे मत लेना, रोने मत लग जाना, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग इस जनरल रीडिंग से डिफरेंट हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा, ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा, ये रिश्ता रियल नहीं है, ये रिश्ता फेक है, ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसमें एक पर्सन हमेशा अपना बेस्ट से बेस्ट देता ही रहेगा और इतना देता रहेगा कि एट लास्ट वो बोझ के तले दब जाएगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, उसके जो अबंडेंस है, उसका जो कैरियर है वो सब कुछ दांव पे लगा देगा, अपनी रिस्पेक्ट दांव पे लगा देगा, अपने इमोशन दांव पे लगा देगा,
बट रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस रिश्ते से। तो ये रिश्ता एक फेक रिश्ता है, ये रिश्ता एक टॉक्सिक रिश्ता है, ये एक ऐसा रिश्ता है जिस पे वर्क करना बेकार है, राइट। तो पाइल वन जिन्होंने चूज़ किया था उनका ये रिश्ता वर्किंग मोड में नहीं है। अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। रेस्ट ये नहीं है कि मैंने बोल दिया वर्किंग मोड में नहीं है तो आप एकदम से कोई डिसीजन ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्सनल रीडिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं आपकी। एंड द सेकंड थिंग कि किसी भी रिश्ते से गिव अप या फिर मूव ऑन नहीं करना होता, हमें मूव ऑन सिर्फ अपनी लाइफ के लिए करना होता है, अपने बेस्ट अपलिफ्टमेंट के लिए करना होता है। तो अगर आपके साथ कुछ भी कंडीशंस मैच करती हैं कि आपका रिश्ता ऐसा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लेना एकदम से। आप अपने आपको इंडिपेंडेंट बनाइए, अपनी जॉब कीजिए, अपना वर्क एक्सपीरियंस लीजिए और अपने सक्सेस की तरफ बढ़िए, देन फ्यूचर पर छोड़ दीजिए कि ये रिश्ता आएगा या नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल वन। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल टू, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा मून का कार्ड चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके रिश्ते में इमोशनल थोड़ा सा इम्बैलेंस हो, पास्ट लाइफ के थोड़े से इश्यूज हो, या फिर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के थोड़े इश्यूज हो, थोड़े से इमोशनल ट्रिगर्स हो, इमोशनल चीज़ें जो हैं बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। आपने आपके पार्टनर को काफ़ी टाइम खुद से प्रपोज़ किया है, खुद से बात आगे बढ़ाई है, लेकिन हमेशा ही आपको इग्नोरेंस मिली है, नेग्लिजेंस मिली है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये रिश्ता रियल है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, वो किसी और पार्टी में है या फिर आपसे मैरिज नहीं करेगा। एक कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगता हो कि आपका पार्टनर आपको उल्लू बना रहा है, आपसे आपको धोखे में रख रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपका पार्टनर है, हो सकता है उसका जोडिक साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो, या फिर हो एरीज लियो एंड सजिटेरियस। एंड सिमिलर वे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो आपका पार्टनर है ना, वो आपको लेकर बहुत पैशनेट फील करता है, उसको आपको लेकर बहुत रोमांटिक और बहुत पैशन वाली डिज़ायर्स हैं। वो आपको बहुत पसंद करता है, आपको लाइक करता है, आपको लव करता है। हाँ, लेकिन बहुत बार आपने उसको प्रपोजल दिया, वो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, वो इसलिए बिकॉज़ उसका कैरियर अभी सेट नहीं है, उसका कैरियर अभी सेट नहीं है, या फिर उसका फैमिली पर अभी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अभी उसको लगता है कि अगर अभी शादी की बात की जाएगी तो उसकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर उसको लगता है कि अभी कैरियर सेट होने में टाइम है, चीज़ों को सेट होने में टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम मुझे और मिलना चाहिए, इसलिए वो अभी आपके रिस्पांस का जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको पीठ दिखा के खड़ा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप कितने भी ऑफर दे दें वो इग्नोर कर रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन आपके फ्यूचर कार्ड्स मुझे बताते हैं कि वो बहुत जल्दी खुद से रिस्पॉन्स करेगा, खुद से आपको प्रपोज करेगा, खुद से कमिटमेंट करेगा, खुद से प्रपोजल लेकर आएगा और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। तो अगर बात की जाए कि आप एक रियल रिश्ते में हैं या फिर एक फेक रिश्ते में हैं, तो येस, यू आर इन रियल रिलेशनशिप। आपका रिश्ता एकदम रियल है, आपका रिश्ता एकदम जेन्युइन है, लेकिन इस रिश्ते में आपको वेट करना पड़ेगा। आपको खुद के जो इमोशनल ट्रॉमास हैं, जो इमोशनल फियर्स हैं, कि आपको लगता है कि ये अभी आपको चीट कर देगा आपके पास्ट लाइफ पार्टनर्स की तरह, ठीक है, उनको आपको हील करना होगा, बिकॉज हर एक पर्सन एक जैसा नहीं होता, ये आपको समझना होगा। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस को हील करना होगा, फियर को हील करना होगा, ओवर इमोशंस या फिर ओवरवेलमिंग इमोशंस अगर आपके हैं तो उनको हील करना होगा। बेस्ट ये रिलेशनशिप रियल है, आगे वर्क करेगा, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंड डिवाइन ने चाहा तो बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन और रीयूनियन होगा, मैरिज भी हो सकती है बहुत जल्दी। डोंट वरी अबाउट इट, यू आर इन रियल रिलेशनशिप। ठीक है, तो पाइल टू जिन्होंने चूज़ किया था द मून द चंद्र कार्ड, उनके लिए थी ये छोटी सी रीडिंग। हो सकता है कि आपसे थोड़ी सी रेजोनेट ना करी हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही हो, तो आप बचे हुए पाइल भी जाकर चेक कर सकते हैं। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, और अगर आपसे रेजोनेट की है तो लाइक शेयर कमेंट करके बिल्कुल बताना, राइट। एंड जिस वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट आएंगे, मैं आपको बता दूँ, मैं उस टॉपिक पर वीडियो उतनी ही ज़्यादा डालूंगी। ओके, तो जो भी वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज जिस पे जितने ज़्यादा आएंगे उसी टॉपिक पर मैं उतनी ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बोनस वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल थ्री, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों का जोडिक साइन लियो हो, या फिर आपके पार्टनर का जोडिक साइन हो सकता है टोरस वर्गो कैप्रिकॉन या फिर जेमिनी लिब्रा एंड अक्वेरियस, राइट। बात की जाए कि इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, तो आप वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर के प्रपोजल का, लेकिन आपका पार्टनर जो है प्रपोजल दे ही नहीं रहा। अगेन प्रपोजल का इशू, अगेन कमिटमेंट का इशू, ठीक है।
आप उसका वेट करते करते थक गए हैं एंड स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है आपने बहुत लंबा वेट किया है, लेकिन स्टिल ये रिलेशनशिप एक उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा जहां तक इसको पहुंच जाना चाहिए था, और आपका पार्टनर स्टिल कमिटमेंट के टाइम ऐसे खड़ा हो जाता है कि जैसे अभी राइट टाइम नहीं आया या फिर वो उन चीज़ों को समझ नहीं रहा। हो सकता है समटाइम या फिर मैनी टाइम्स आपने अपनी फीलिंग्स बताई हों, आपने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हों, अलग अलग तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की हो, आपने इनको ये कहा हो कि अगर आपने हाँ बोलोगे तो हमारे पेरेंट्स हमारी शादी कहीं और कर देंगे एंड ऑल, बट इस पर्सन को कोई इफेक्ट नहीं हुआ बिकॉज इसको पता है कि आप कहीं और मैरिज करोगे नहीं, आप इसी के साथ मैरिज करोगे एंड ये आपको लेकर काफ़ी श्योर है। फिर बात आती है कि ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, ये प्रपोज़ल क्यों नहीं दे रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके घर में हो सकता है ये अपनी मदर से डरता हो, अपनी मदर के सामने खुल के बात नहीं कर पाता हो, तो इसको ऐसा लगता है कि अगर आपके बारे में इसने अपनी मदर को बताया तो इसकी मदर बहुत गुस्सा करेंगी। इसकी मदर मुझे काफ़ी स्ट्रिक्ट दिख रही हैं, काफ़ी इगोस्टिक दिख रही हैं एंड काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस एंड डिसिप्लिन में चलने वाली दिख रही हैं। तो इसको ऐसा लगता है कि एक बार ये फाइनेंशियली सक्सेस को अचीव कर ले, जो कि ऐसा नहीं है कि ये फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है, ये सक्सेसफुल है, बट जितनी सक्सेस ये चाहता है उतनी सक्सेस अभी इसको नहीं मिली है। तो ये चाहता है कि एक बार स्टेबल हो जाए लाइफ में फाइनेंशियली, देन कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मदर को कन्विंस करने की कोशिश करेगा एंड आपके साथ शादी करेगा। तो क्या ये रिलेशनशिप रियल है? येस ऑफ कोर्स श्योर ये रिलेशनशिप रियल है। थोड़ा सा कार्मिक अकाउंट है, थोड़े से हर्डल्स हैं, थोड़ी सी परेशानियां हैं, इवन थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं, आपने अपने पेशेंस बहुत बनाए हुए हैं, बहुत सब्र रखा हुआ है। समटाइम आप अपना सब्र खोते भी हैं, आप सोचते भी हैं मूव ऑन होने का, लेकिन स्टिल आप इसको इतना प्यार करते हैं आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, और ये पर्सन भी आपको मूव ऑन होने नहीं देता है। जब आप मूव ऑन होना चाहते हैं तो ये आपको पीछे से कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है, एंड आपसे बात करता है एंड अगेन आप इस पे स्टक हो जाते हैं। और आपको कई बार लगता है कि ये पर्सन ना हाँ बोलता है ना ना बोलता है, ये शादी करेगा भी या नहीं करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये शादी तो आपसे ज़रूर करेगा, लेकिन एक कैरियर सेटलमेंट के बाद, नेक्स्ट अपनी मॉम को मनाने के बाद। ये दो चीज़ें में अभी टाइम और भी लगेगा, अभी जितना आपने टाइम निकाला है मुझे इतना ही टाइम और भी जाता हुआ आपका दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप के रीयूनियन के लिए। अगर आप इतना सब्र कर सकते हैं, अगर आप इतना और इंतज़ार कर सकते हैं, तो एज़ यू विश यू कैन डू। मैं आपको यहाँ पे कोई सलाह नहीं दूंगी बिकॉज हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। रेस्ट में आपको ये जरूर कहूँगी कि ये रिश्ता रियल है, ये इंसान वर्क करना चाहता है, आपके रिश्ते को हाई लेवल पे पहुँचाना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, आपसे मैरिज करना चाहता है, बट स्टिल लाइफ में प्रॉब्लम सबकी होती हैं, इसकी लाइफ में भी हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहा है। एंड एक टाइम के बाद चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए कितना टाइम लगेगा आई कैन नॉट से बिकॉज टाइम टेकिंग है ये रिश्ता, ठीक है। तो पाइल 3 जिन्होंने स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया था, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना एंड इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो एंड मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो पसंद आए, बिकॉज जिन वीडियोस पर जितने ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट आएंगे मैं उन वीडियो के बोनस वीडियो, उन वीडियो के टाइटल पे बोनस वीडियो और भी ज़्यादा आपके लिए लेकर आऊँगी। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।